अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को गोटा एम्ब्रॉयडरी में गोटे के फ्लावर की अरेंजमेंट बता रही हूँ। और इसके लिए जो सामान चाहिए होगा उसमें गोटे का ये फ्लावर, ये मैंने आपको पहले एक वीडियो में बनाना भी बताया था। इसके अलावा पर्ल का मोती, रिबन की सुई, गोटे की धनक, USU, नॉर्मल सिलाई का धागा और सुई, सीजर और पेंसिल। सबसे पहले गोटे का जो हमारा ये फ्लावर है इसको हमें कपड़े के ऊपर यहाँ हल्की सी ग्लू लगा के चिपकाना होगा ताकि जिस वक्त हम इसके ऊपर काम करें तो अपनी जगह से मूव ना करें। इस तरीके से अब गोटे की धनक इसके दोनों कॉर्नर्स के ऊपर पहले USU लगाएंगे ताकि काम के दौरान इसके धागे ना निकलें, और इसको डालेंगे रिबन की सुई में। एक साइड पर इसके नॉट लगा देंगे, यहाँ पर अंदर के साइड से कपड़े में से सुई को निकालेंगे। पहले से जो है वो हम यहाँ पर लेंगे स्ट्रेट स्टिच। दूसरा स्टेप थोड़ी सी लेंथ छोटी करके यहाँ पे लेंगे। काम करते वक्त ख्याल रखिएगा इसमें बल ना आए। इस समय इसके ऊपर स्टिच लगाने से ये होता है कि जो फ्लावर है हमारा जो हमने ग्लू से चिपकाया था वो भी कपड़े पे फिक्स होता जा रहा है।
ये इसका फ्रंट साइड, ये इसका बैक साइड। अब फ्लावर के सेंटर में पर्ल का मोती लगाएंगे। इसके लिए नॉर्मल सिलाई का धागा सुई में डाल के डबल करके नॉट लगाएंगे पहले। अगर आप यहाँ पे मोती नहीं लगाना चाहें तो कोई स्टोन्स भी लगा सकते हैं। इस फ्लावर को आप छोटा करके भी बना सकते हैं। यहाँ पर लीव बनाने के लिए मैंने इस तरीके से लीव ड्रॉ करा है और उसके अंदर सिंपल लीव स्टिच कर रही हूँ मैं। अगर आप इसकी जगह फिशबोन स्टिच बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। सेंटर की जो लाइन है उसमें यहाँ से कपड़े में सुई को लेके जाएंगे, साइड पे निकालेंगे। अब यहाँ पर स्टेम स्टिच या बैक स्टिच या बीट स्टिच जो भी बनाना चाहे वो बना सकते हैं। बीट स्टिच बना रही हूँ। अब इसको बैक साइड पर ले जाके पक्का करेंगे। धनुक को किस तरीके से फिक्स करना है ये देखिए। यहाँ जो ये स्टिच है कपड़े में नहीं लेना, सिर्फ धनुक के नीचे से लेना है। इस तरीके से धनुक को आपने पीछे पक्का करना है और धनुक को इस तरह कट कर देंगे। ये इसका बैक साइड है और ये है इसका फ्रंट।